नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी स्क्रीन पर बने रहिए, ये देखें, ये एप्लीकेशन है, अपडेट हो रहे हैं फ़ोन के ही इंटरनेट से ये अपडेट हो रहे हैं। वाईफाई अवेलेबल नहीं है, अगर वाईफाई अवेलेबल होता तो वाईफाई से भी अपडेट करता। अपडेट करना क्यों आवश्यक है ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। अपडेट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं। हर कंपनी, यहाँ तक कि गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है गूगल, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है, बनाती है, दुनिया के सबसे अच्छे डेवलपर्स गूगल के पास में हैं, फिर भी उनको हर 15-20 दिन में अपने आप का अपडेट देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अपडेट क्यों आ रहे हैं। अपडेट इसलिए आ रहे हैं कि साइबर अटैकर जो हैं वो आपके फ़ोन को टच आसानी से ना कर पाएं, उनके लिए प्रॉब्लम ये अपडेट दे करके वो अपनी कोडिंग को चेंज करते हैं, अपने जो भी पैरामीटर्स होते हैं कोडिंग के वो उनको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, जिससे अटैकर्स के लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर वो अपनी कोडिंग को बदलेंगे नहीं, अपनी कोडिंग का तरीका चेंज नहीं करेंगे, ऐप का अपडेट नहीं देंगे, मोटी मोटी बात यह है कि वो ऐप का अपडेट नहीं देंगे, तो उनके तो जो साइबर अटैकर्स हैं उनके लिए आसान रहेगा आपके फ़ोन को हैक करना या आपके किसी भी डिवाइस को हैक करना, वो चाहे आपका एप्पल डिवाइस ही क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है कि एप्पल के डिवाइस हैक नहीं हो सकते, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठी सी बात है। ऐसा है नहीं कि वो हैक नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता कि कोई इथिकल हैक या कोई अनएथिकल हैकर उसको हैक ना कर पाए। तो अपडेट इसलिए आते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो आपको अपडेट करने भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने डिवाइस को खतरे में डाल रहे हैं, आप अपने डिवाइस को नहीं बल्कि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपके पास ई वॉलेट है, या आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं या नहीं भी करते हैं, आपका डिवाइस आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, या आपके एसेट्स जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो क्रिप्टो की फॉर्म में हो, बॉन्ड के फॉर्म में हो, या किसी भी चीज़ या शेयर मार्केट में हो, तो वो भले ही आपको लगता है कि वो इनक्रिप्टेड हैं या वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। हर जो टेक्नोलॉजी आती है उसकी काट पहले आ जाती है। वैसे ही आपको अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए ऐप को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। आप अपना इंटरनेट बचाने के चक्कर में आप 1 GB का डेटा कराते हैं, 1.5 GB का, 2 GB का, 2.5 GB का, कम डेटा का रिचार्ज कराते हैं, तो उस डेटा को बचाने के लिए कि अब रात कैसे कटेगी या दिन कैसे कटेगा, अभी अगर अपडेट कर लिया तो डेटा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एड ऑन डेटा का रिचार्ज कर सकते हैं, 1 GB, 2 GB या 6 GB का। आप अपने सारे ऐप अप टू डेट रखें, भले आप यूज़ करते हों या ना करते हों, ये मेरी आपको सलाह है। और जैसे एक दोस्त होता है, वो कभी कभी अपनी सलाह को, अगर वो ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्त के लिए, तो वो ज़बरदस्ती भी करता, तो मैं आपसे ज़बरदस्ती ही कर रहा हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ कुछ भी आप समझ लें, कि मैं ज़बरदस्ती आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने सारे ऐप्स को अपडेट रखें, भले आप उसको 2-3 महीने में कहीं एक बार यूज़ करते हो, या जितने आपके एप्लीकेशन हैं आपके फ़ोन में वो सब आप अपडेट रखें। अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो ये आपका नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ऐप को अपडेट रखना ज़रूरी है, और मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। मैंने अभी गूगल के सारे ऐप अपडेट किए हैं, ये देखिए, कम से कम 40 से ऊपर ऐप थे जो मैंने अपडेट किए हैं, और गूगल के ही 6-8 ऐप थे, या यूँ कह लें कि गूगल के ऐप जितने यूज़ करते हैं वो सारे ही थे। हम सब गूगल के ही जितने सारे ऐप यूज़ करते हैं, वो गूगल हो, गूगल वन, गूगल होम, यूट्यूब स्टूडियो, और ऐसे बहुत सारे, मतलब जीपे, और बहुत सारे ऐप हैं गूगल के जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, उनके ऐप आप अगर नोटिस आपने किया हो कि एक एक महीने में 2-2 बार आ जाते हैं ऐप अपडेट, तो इतनी जल्दी जल्दी ऐप अपडेट आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था तभी से साइबर अटैक पूरी दुनिया में होने लगे थे। रशिया के हैकर्स थे और यूक्रेन के साइड से जो हैकर्स थे वो पूरी दुनिया से, क्योंकि फंड की ज़रूरत होती ना। अभी आपने सुना होगा कि फिलिस्तीन के अटैकर्स, फिलिस्तीन और जो हमास के जो अभी इसराइल और फिलिस्तीन और फिलिस्तीन उसको बोलते हैं इंग्लिश में फिलिस्तीन और हिंदी में फिलिस्तीन, तो जो गाज़ा की पट्टी, वहाँ से जो वॉर जोन वो क्रिएट हुआ है, वॉर जो चल रहा है, उसमें साइबर अटैकर का यूज़ किया गया है फ़ंड जुटाने के लिए। जी हाँ, अगर आपने ये खबर नहीं सुनी तो आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी कि गाज़ा यानी हमास और फिलिस्तीन के अटैकर्स ने, साइबर अटैकर्स ने दुनिया भर के बहुत से लोगों के ई वॉलेट हैक किए और उनसे फ़ंड को निकाल लिया, उनके एसेट्स को निकाल लिया, और अब वो उन्हीं एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं टेररिज्म के लिए। तो ये भी गलत है, आपके एसेट गलत काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप अपने माल की सुरक्षा स्वयं करें, आप अपने ऐप को अपडेट रखें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐप अपडेट कर लेंगे तो ये ऐसा खतरा नहीं है, खतरा होता है तब भी चांसेस हैं, लेकिन तब चांसेस कम हैं, क्योंकि ऐप अपडेट आएगा तो उनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी और स्ट्रांग होगी पहले के मुकाबले। तो
इस तरह से आप अपने आप अपने सारे ऐप्स को अपडेट रखें, भले आप यूज़ करते हो ना करते हो, नहीं करते तो फ़ोन को खाली करने का आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रखे हुए हैं फ़ोन में और महीने दो महीने तीन महीने में कहीं एक बार कोई ऐप यूज़ करते हैं तो भी आप उसको अपडेट रखें, सारे के सारे ऐप अपडेट होने चाहिए आपके। मेरे नहीं है, मैंने अभी 40-45 ऐप किए हैं, एक साथ करने से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने रोक दिया था। अब मैं सारे एप्लीकेशन अपडेट कर रहा हूँ, मेरे सिर्फ 4 एप्लीकेशन बचे हैं जो अपडेट नहीं हुए थे, अब मैं इनको भी कर रहा हूँ, तो आप भी कर लें। यही था वीडियो, मेरा मकसद यही था कि आप तक ये जानकारी पहुंचे। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, आप अपना डेटा बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। आप अपने सारे एप्लीकेशन को अपडेट रखें। मिलता हूं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।